नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर जातक की कुंडली में जहर जोग बन रहे हो तो जातक का समाज में बहुत बड़ा रुतबा होता है और अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ वह काम करता है वहाँ उसका बहुत नाम होता है, जातक का बहुत नेम एंड फेम होता है। बहुत ही सिंपल से योग है ये, बहुत सरल तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली में ये योग किस तरह से बनते हैं। देखिए, कुंडली में जो मंगल ग्रह होता है, मार्स होता है, वो सेनापति होता है, उसको सेनापति कहते हैं। और सेनापति का क्या काम होता है भाई? ऑर्डर देना। और उसने जो हुक्म दे दिया उसकी पालना होती ही होती है। सिचुएशन कोई मर्जी हो, उसका हुक्म अमल में आता ही आता है। और कुंडली में जो दसवां घर होता है, टेंथ हाउस होता है दसवां घर, वो केंद्र स्थानों में से सबसे शक्तिशाली केंद्र स्थान होता है। और इस घर को राज दरबार का घर भी कहते हैं, सरकारी शक्तियों का घर भी कहते हैं, सरकार का घर भी कहते हैं, पावर्स का घर भी कहते हैं, जश का घर भी कहते हैं, प्रसिद्धि का घर भी कहते हैं, मान सम्मान का भी इसी देखते हैं। ये सब कुछ जो प्रसिद्धि, पावर्स, मान सम्मान वगैरह, ये सब कुछ हमें दसवां घर देता है। सबसे पहले तो यह देखना है कि कुंडली में मंगल का दसवें घर से संबंध बन रहा हो। मंगल का किसी भी तरह से कुंडली में दसवें घर से संबंध बन रहा हो। देखिए, ये दसवां घर, इस घर से मंगल का संबंध कैसे बन सकता है? मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। जब मंगल तीसरे घर में पड़ा होगा, ये मंगल तीसरे घर में पड़ा होगा, तो अपनी आठवीं दृष्टि से ये दसवें घर को देखेगा। एक तो मंगल तीसरे घर में हो, या अगर मंगल चौथे घर में पड़ा होगा तो अपनी सातवीं दृष्टि से दसवें घर को देखेगा। इसके अलावा अगर मंगल सातवें घर में पड़ा हो तो अपनी चौथी दृष्टि के द्वारा दसवें घर को देखेगा। इसके अलावा मंगल अगर दसम घर में पड़ा हो तो वही दसम ही आ गया, दसम का कारक दसवें घर में आ गया, बहुत पावरफुल हो गया। तो मंगल का दसवें घर से संबंध इस तरह बन सकता है कि ये कुंडली के तीसरे घर में पड़ा हो, या चौथे घर में पड़ा हो, या सातवें घर में पड़ा हो, या दसवें घर में पड़ा हो। अगर कुंडली में इतना सा ही जोग बन रहा हो और दसवें घर में मंगल की कोई मित्र राशि हो, सब राशि हो या उच्च राशि हो, तो सोने पर सुहाग्य वाली बात हो जाती है। अगर इतना सा ही जोग बन रहा हो, अभी मैंने आधे जोग की बात की है, अगर कुंडली में इतना सा जोग बन रहा हो तो ये जोग भी कुंडली में बहुत ही अच्छा जोग है, अपने आप में यह राज जोग का काम करता है, व्यक्ति को बहुत सारी शक्तियां देता है, समाज में बहुत अच्छा इज्जत मान देता है, चार लोगों में उसका अच्छा नाम होता है। इसके साथ अब इसके दूसरे पार्ट की भी बात कर ले, ये जोग बहुत ज्यादा मजबूत काम हो जाता है। देखिए, मंगल ने तो अपना काम कर दिया दसवें भाव को प्रभावित करके, इसके अलावा सेनापति ने तो काम कर दिया। अब देखो, राजा सूर्य जो कुंडली में किंग प्लेनेट है, अगर वो भी मजबूत हो, राजा और सेनापति दोनों ही मजबूत हो जाए, तो वही क्या कहना,
बहुत ही शानदार शक्तियां देता है जातक को। सूर्य कैसे मजबूत हो सकता है, पहले घर में विराजमान हो जाए, तीसरे घर में आ जाए, छठे घर में आ जाए, नौवें घर में आ जाए, दसवें घर में आ जाए, ग्यारहवें घर में आ जाए, इनमें से किसी भी घर में आ जाए, नीच कादि का ना हो सूर्य, और मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, तो ये योग और भी पावरफुल हो जाता है। जिनकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों ही मजबूत स्थिति में हो जाए, यानी मंगल दसवें घर को प्रभावित कर रहा हो, दसवें घर को मजबूत कर दे, और सूर्य खुद मजबूत हो पड़ा हो, खुद अच्छी स्थिति में पड़ा हो, तो इस तरह की जातक आमतौर पर किसी उच्च सरकारी पद पर विराजमान होते हैं, या राजनीति में बहुत अच्छे पद पर विराजमान होते हैं, राजनीति की सहायता से सरकारी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। अगर भाग्येश वगैरह अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो, तो एमपी, एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं इस तरह के जातक। इनकी कलम में, यानी इनके सिग्नेचर में, इनके हस्ताक्षर में बहुत पावर होती है। इनका एक साइन, एक सिग्नेचर बड़े से बड़ा काम करवाने में सक्षम होता है, और जो बात इनके मुंह से निकल गई, जो इन्होंने कह दिया, समझो वो काम हो गया। क्योंकि कुंडली में दोनों ही ग्रह, किंग भी मजबूत हो गया, राजा भी मजबूत हो गया, और मंगल ने दसवां घर जिसका राजा कारक है उसको भी मजबूत कर दिया, तो बहुत गजब की शक्ति होती है इस तरह के जातकों के पास। इस तरह की जातक की कुंडली में मान लीजिए और योग अच्छे नहीं पड़े, मान लीजिए लग्नेश इतना अच्छा नहीं है, भाग्येश इतना अच्छा नहीं है, सुखेश इतना अच्छा नहीं है, तो भी ये लोग किसी बड़े व्यक्ति, जैसे किसी बड़े ऑफिसर के साथ, किसी सेक्रेटरी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, एमपी के साथ, एमएलए के साथ काम करते होंगे, किसी के पर्सनल सेक्रेटरी हो सकते हैं, या किसी के बहुत नजदीक हो सकते हैं, उसके ऑफिस में काम करते होंगे, उसके बहुत नजदीक होंगे, उसका सारा कामकाज यही देखते होंगे, और इस तरह के जातक उस बड़े व्यक्ति की शक्तियों का पूरा उपयोग करते हैं, और उस शक्तियों का अपना काम भी उसके द्वारा सिद्ध करवात करते हैं, और दूसरों का काम भी उस शक्तियों के द्वारा सिद्ध करवाते हैं। अगर इस तरह के जातक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो ये बहुत बड़ी किसी नामवर कंपनी के टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं। इस तरह की कंपनी के ऑफिसर होते हैं जो कंपनियां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती हैं, उनको वित्तीय सहायता देती हैं, इस तरह की कंपनी में होते हैं, और इनके एक फोन कॉल से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हिल जाते हैं, और इनके एक फोन कॉल से बड़ा काम हो जाता है जिनकी कुंडली में इस तरह का योग बढ़ रहा हो। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में इस तरह का कौन सा योग है, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे से समझाया है, बहुत ही सरल ढंग से समझाया है, जिसके कारण जातक की हुकूमत चलती है, जो जातक ने बोल दिया वही काम हो गया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरा ये वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।